हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज के इस क्वेश्चन में ये एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहला सवाल है एक नंबर का। फिर टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी सप्लाई एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में कितनी करंट है। और नंबर सी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और हर रेजिस्टर में पावर डिसिपेटेड। तो देखिए, यहाँ पे सर्किट में देखें तो सबसे पहले हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता करना है ये लोग सीरीज में है कि पैरेलल में। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम लोग एक करंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये करंट ऐसे जाएगी और घूम के ये इधर से चली आएगी और ये ऐसे सीधे चलती चली आ रही है, इन तीन पहुँच गई। इन तीनों में करंट हम लोग देख रहे हैं कि करंट तीनों में सेम है, इट मीन्स दे ऑल आर इन सीरीज कनेक्शन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन आर इक्विवेलेंट विल बी, इसका नाम दे दिया जाए आर वन आर टू आर थ्री। तो दिस विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो देखिए, इसकी वैल्यू 2 + 30 + 50, तो इट विल बी 30, 20, 50, 50, 100 ओम। यह आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ ऑप्शन बी है टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई। देखिए, टोटल करंट ये ऑप्शन ए हो गया। बी के लिए टोटल करंट निकालना है। अब टोटल करंट फ्रॉम पावर सप्लाई, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से अगर हमको टोटल करंट निकालना होता है तो बैटरी का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज 125 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 100। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, दो नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इट विल बी 1.25। और करंट है तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। ये आ गया आंसर नंबर सेकेंड। अब इसमें और ये और भी चीज है, एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। एज वी हैव सीन हियर कि यही जो करंट बैटरी से निकल रही है, यही करंट पूरा घूम के इधर आ रही है। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिखना पड़ेगा कि विल बी कितना, जितना वो है, दैट इज 1.25 एम्पियर। ये सेकेंड आंसर पूरा हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में दो चीज है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब देखिए, इन सब का नाम दे दिया। देखिए, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमको इन सब का पॉइंट का नाम देना होगा। ये है पॉइंट ए, इसको पॉइंट नाम दे दिए बी, इसको पॉइंट दे दिए सी, ये है पॉइंट डी। तो अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 वोल्ट निकालना है तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो हमको वी ए बी निकालना है। और हम ये जो 30 ओम है, ये बी और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हमको निकालना है वी बी सी। और ये 50 ओम सी और डी के बीच में जुड़ा है, तो हमको निकालना है वी सी डी। तो देखिए, जिस जगह का पोटेंशियल निकालना है वो पोटेंशियल की वैल्यू होती है आई इंटू आर। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबसे पहले 20 ओम। तो देखिए, वो जुड़ा है वी ए बी, ए बी के बीच में, तो वो होगा वहाँ कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वहाँ की करंट इंटू वहाँ का रेजिस्टेंस, और उसको हम लोग मान लिए हैं आर वन। तो आई की वैल्यू, आई यहाँ पे वही है जो यहाँ से करंट ड्रॉ हुई है, ये यही आई है, देखिए यहाँ घूम के आ रही है। तो आई की वैल्यू वही है जो बैटरी से निकली है, तो आई की वैल्यू है 1.25 इंटू आर वन, वो है 20। इसमें जो आ गया वो हो गया 25 वोल्ट। देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर। तो वो हमारा जुड़ा है पॉइंट बी और सी के बीच में, तो एक्चुअली हमें निकालना है वी बी सी। तो देखिए, वी बी सी इज इक्वल्स टू उस जगह का करंट इंटू उस जगह का रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग मान लिए हैं आर टू। ये था हमारा आर वन, यह आर टू, दिस इज आर थ्री। तो यहाँ पे करंट वही है जो बैटरी से ड्रॉ हुई है, देखिए वही घूम के इधर आ रही है।
तो ये आई की वैल्यू अभी भी है 1.25 इंटू आर टू की वैल्यू है 30। तो देखिए ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.5 वोल्ट। यह गया दूसरा आंसर। इसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर अगर हमें निकालना है तो वो निकालना है वी सी डी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन बिटवीन सी एंड डी। तो फिर से आई इंटू उस जगह का रेजिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू अभी भी है 1.25 इंटू आर थ्री की वैल्यू है 50। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12.5 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 2 10, 2 12 2 1, 5 1 5 1 6। और एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे लग दिया गया, तो ये हो जाएगा 62.5 वी सी डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इतना वोल्ट, यहाँ पे भी वोल्ट। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया। अभी क्या है, पावर डिसिपेटेड भी निकालना है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड अगर निकालना है तो पावर डिसिपेटेड इन आर वन, तो देखिए पी वन, इसका पावर का कई फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई या वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर इंटू आर। हमें आई भी पता है, हमें वी भी पता है और आर भी पता है, तो जो सा आसान पड़े वी इंटू आई कर लिया जाए। पेटेड इन आर वन, पी वन इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू आई, पावर पी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल। जो वी वन आया है उसकी वैल्यू हम लोग देखें, तो आर वन में जो पोटेंशियल आया है उसकी वैल्यू है 25 वोल्ट। तो यहाँ पे रख दें 25 इंटू आई वन, यहाँ पे करंट वही है जो यहाँ से चल के आई है, दैट इज 1.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 25 से, दो नंबर बाद पॉइंट है तो दो नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दें, तो आ जाएगा 31.25 पावर। पावर इतना है, पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट को हम लोग सिर्फ डब्ल्यू से लिख दें, चाहे वॉट पूरा लिख दें। सिमिलरली ना है पावर डिसिपेटेड इन आर टू, देखिए जहां का पावर निकालना है पी टू, वहां पे पोटेंशियल इन टू वहां की करंट, और करंट सब में सेम है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो हम लोग देख लें, वो कितना आया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी वो आया था 37। तो 37.5 वोल्ट इंटू करंट की वैल्यू आई है 1.25। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 46.875, इतना वॉट। ये आ गया पावर इन सेकेंड वन, पावर डिसिपेटेड इन आर थ्री। तो देखिए ये पावर आर थ्री में आ जाएगी, पी थ्री इज इक्वल टू वी थ्री इंटू आई थ्री। पावर यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया था, यहाँ का पोटेंशियल देखिए कितना आया था सी और डी के अक्रॉस, वो आया 62.5 और करंट वही है, तो ये आ जाएगा 62.5 इंटू करंट की वैल्यू है 1.25। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद फिर से देखा जाए कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आएगा 78.125 वॉट। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।